अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई दीदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, नया दिन। आइए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में ये नया दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। हमारे साई जी की कृपा से ये नया दिन हमें फिर से मिला है। तो चलिए इस नए दिन को शुरू करते हैं। बाबा की कृपा मांगते हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा से साई को मांगते हैं, साईनाथ से। तो चलिए इस नए दिन को बहुत ही सारी खुशियों के साथ, एक प्यारे से स्माइल के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे सभी को पसंद आते हैं, चाहे भगवान हो चाहे हम सभी। जब कोई व्यक्ति हमसे मुस्कुरा कर मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है, अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने आप को हमेशा इस प्रकार रखिए कि दुख भी आपको दुखी ना कर सके। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब आप अपने आप को समझाना सीख जाओगे ना, तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं है आपको कि कोई आपको ये कहे अरे कोई बात नहीं चिंता मत करो, क्योंकि आप खुद को ही समझा सकते हो तो आप सबको समझा सकते हो। कहते हैं ना, जिसने खुद के ऊपर जीत पाली वो कुछ भी जीत सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को हौसला देना, अपने आप को समझाना, अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाना, खुद की मेहनत से, खुद के सहारे से। और आपके अलावा आपका सहारा कोई और भी तो है। आपका सहारा आपका मालिक है, आपके भगवान है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अपने प्रभु से हर वक्त ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं नादान हूँ, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, लेकिन आप तो मेरे माता पिता हो, आप तो सब जानते हो। मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो मुझे समझा लीजिएगा, मैं किसी गलत मार्ग पर जाऊँ तो मुझे संभाल लीजिएगा, मुझे दूर कर दीजिएगा उन हर रिश्तों से जो मुझे गलत राह पर लेकर जाते हैं, जिनसे मैं जिनके साथ रहकर मुझे गलत सीख मिल रही है, मुझे दूर कर दीजिए बाबा उनसे। मैं कभी भी किसी के दुख का कारण ना बनूं, मेरी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, मुझे ऐसा बनाइएगा, मुझे अच्छा बनाइएगा, नेक इंसान बनाइएगा, किसी के सुख में शामिल होकर, किसी के दुख में शामिल होकर उनके दुख को कम कर सकूं और सुख को बढ़ा सकूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिएगा, क्षमता दीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा। तो अपने साईं से हर रोज़ प्रार्थना किया करो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम आपके पास है, अपने भगवान के पास बैठकर अपने मन की बातें शेयर किया करो, प्रार्थना किया करो, अरदास किया करो, और फिर अपने दिन की शुरुआत किया करो। यकीन मानिएगा, ये दिन आपके संवर जाएंगे, आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी प्रार्थना के असर से। ठीक है, तो प्रार्थना एवरीडे कीजिए। और आइए, प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना पूरी कैसे होती है हमारी, 11 वचनों के साथ। तो साईं साईं जी का नाम लेते रहिए, पल पल हर पल शुक्राना करते रहिए बाबा का, धन्यवाद करते रहिए बाबा का उस हर चीज़ के लिए जो साईं जी ने हमें भरपूर दी है। और दिन को शुरू करने के लिए आइए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। साईं जी सब संभाल लेंगे। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम।